संजू इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ब्लूटूथ स्पीकर डीजे और इसे मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसे वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहे। हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन मेरा वीडियो देखते सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल को, और 1K हमारी चैनल को प्लीज़ करा दो। बिना देरी ये वीडियो शुरू करते हैं बनाने के लिए। मैंने PUC शीट से इसी तरह से कटिंग किया है, आप देख सकते हैं। तो इसका मार्किंग है 13.5 सेंटीमीटर, इसी तरह से कटिंग किया है। और इसका 9.5 सेंटीमीटर इसी तरह से कटिंग किया है। अब और दूसरा पीस मैंने 13.5 सेंटीमीटर इसी तरह से कटिंग किया है, और 2.5 सेंटीमीटर इसी तरह से दो पीस मैंने कटिंग किया है। अब हम दो छोटा पीस कटिंग किया है, आप देख सकते हैं 9.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर इसी तरह से मैंने कटिंग किया है दो पीस। इसी तरह से आपको कटिंग कर लेना है PUC शीट से। अब हम बॉक्स एक बना लेते हैं, इसी तरह से फेकिक के मदद से अच्छी तरह से चिपका लेंगे। तो आपको ऐसा बॉक्स बना लेना है, और हमारा बैटरी भी इसमें लगेंगे, और इसमें हमारा ब्लूटूथ स्पीकर भी इसमें फिट करेंगे। तो इसी तरह से आपको ये बॉक्स बना लेना है। तो मैंने बॉक्स बना के रेडी हो चुका है। अब हमारा ये पावर बैंक मॉड्यूल ले लेंगे, आप देख सकते हैं इसी तरह से। तो यहाँ हम कटिंग करके इसे हम यहाँ लगा लेंगे। तो पहले मैं कटिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको पावर बैंक में देख कर कटिंग करना है। और यहाँ हम ग्लू गन के मदद से अच्छी तरह से यहाँ चिपका लेंगे। तो मैंने चिपका लिया है यहाँ, आप देख सकते हैं इसी तरह से ग्लू गन के मदद से अच्छी तरह से चिपका लेना है। अब मैं इसे 3 लिथियम बैटरी लेते हैं, आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको 3 बैटरी लेना है। अब हम यहाँ 3 पॉजिटिव में सोल्डिंग करेंगे और 3 नेगेटिव एक साथ सोल्डिंग करेंगे। तो मैं सोल्डिंग करके आपको दिखाते हैं। तो पहले मैं टेप लगा लेते हैं। तो मैंने टेप लगा कर अच्छी तरह से 3 बैटरी को लगा लिया है। अब हम यहाँ सोल्डिंग करके आपको दिखाते हैं, ये 3 पॉजिटिव है। तो 3 पॉजिटिव मैंने सोल्डिंग किया है, और इसमें मैंने रेड वायर लगा लिया है, आप देख सकते हैं। और ये 3 बैटरी में नेगेटिव है, तो इसमें मैंने ब्लैक वायर लगा लिया है। अब मैं इससे इस बॉक्स के अंदर हम फिट करेंगे। तो यहाँ मैं डबल साइड टेप से इससे चिपका लेंगे। तो मैंने चिपका लिया है, अब मैं इससे वायरिंग करके आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें B+ है, आप देख सकते हैं वीडियो में पावर बैंक मॉडल में B+ है और B- है। तो इसमें हम ये रेड वायर है इसे B+ में लगाएंगे, और ब्लैक वायर है इसे हम B- में लगा लेंगे। तो पहले मैं सोल्डिंग करके आपको दिखाते हैं। तो मैंने सोल्डिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको ये सोल्डिंग कर लेना है B+ और B- में, इसी तरह से अच्छी तरह से कर लेना है। अब मैं इसे हम एक स्विच लेंगे, आप देख सकते हैं इसे हम यहाँ लगाएंगे बन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ हम 2 होल करके यहाँ 2 वायर लगा लेते हैं स्विच में। तो आप देख सकते हैं मैंने स्विच में 2 वायर लगा लिया है, इसी तरह से आपको यह लगा लेना है, और इसमें 2 होल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर हम डाल देंगे दोनों वायरों को स्विच का। तो इसे हम यहाँ फेकी के मदद से अच्छी तरह से ये स्विच को चिपका लेते हैं पहले। तो मैंने स्विच को चिपका लिया है, दोनों वायर को अंदर डाल दिया है। तो इसमें हमारा ये रेड वायर है, इससे हम B+ में हम पावर बैंक मॉड्यूल में लगा लेते हैं पहले। तो यहाँ हम सोल्डिंग कर लेते हैं। वीडियो आपको कीप करके नहीं देखना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने सोल्डिंग कर लिया, एक हमारा बचा है वायर रेड वायर। तो इसे हम एक ब्लूटूथ मॉड्यूल और ऑडियो प्लेयर मॉड्यूल मैंने पहले से वायरिंग करके रखा था, क्या वरना हमारा वीडियो लंबा हो चुके इसलिए। तो इसमें हमारा 5 वोल्ट यहाँ हम पावर देने के लिए वायरिंग करेंगे। तो इसमें हम स्विच का वायर लगाएंगे रेड वायर में। तो आप देख सकते हैं ये रेड वायर है, इससे हमारा स्विच ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ हम लगाएंगे 5 वोल्ट में। तो पहले मैं सोल्डिंग करके आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं स्विच का वायर है, यह मैंने 5 वोल्ट ऑडियो प्लेयर में मैंने लगा लिया है। अब हमारा
ब्लैक वायर है, इससे हम बी माइनस में ब्लैक वायर है, तो इसे हम ऑडियो प्लेयर में लगा लेंगे यहाँ। तो आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आए है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को और सपोर्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं ब्लैक वायर मैंने सॉल्डिंग कर लिया है ऑडियो प्लेयर में और बी माइनस में, तो इसी तरह से आपको ये सॉल्डिंग कर लेना है। अब मैं इसे यहाँ हम ब्लूटूथ स्पीकर में हम दो वायर लगाएंगे माइनस और प्लस यहाँ। तो अब मैं इसे अंदर डाल देते हैं। तो अब मैं इससे एक पीयूसी शीट लिया है, इसके अंदर मैंने गोल राउंड कटिंग किया है, तो इसके अंदर हम ये फिकर इसके अंदर हम चिपकाएंगे दोनों वायर अंदर डालकर। तो यहाँ मैं चिपका लेंगे अच्छी तरह से फेब बॉन्ड से और ग्लूगन के मदद से अच्छी तरह से यहाँ चिपका लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ग्लूगन के मदद से अच्छी तरह से ये फिकर को चिपका लिया है। अब मैं हमारा दो वायर बचाए रेड और ब्लैक, अब हमारा ऑडियो प्लेयर में यहाँ हम लगाएंगे माइनस और प्लस, इसमें लिखा है इस मॉडल के अंदर। तो यहाँ आपको देखकर ब्लूटूथ फिकर यहाँ लगाएंगे। तो मैं यहाँ सॉल्डिंग करके आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने सॉल्डिंग कर लिया है स्पीकर का, इसी तरह से आपको ये सॉल्डिंग कर लेना है अच्छी तरह से। अब मैं सभी पार्ट को अंदर डालकर अच्छी तरह से फेंकी की मदद से चिपका लेंगे, यहाँ छेट करके आपको चिपका लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने फेंकी की मदद से अच्छी तरह से चिपका लिया है। यहाँ हम मोबाइल भी चार्ज करेंगे, इससे बटन को हम ब्लूटूथ स्पीकर ऑन ऑफ करेंगे। तो इसी तरह से ये लुक बन के रेडी हो चुका है, इसी तरह से आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। अब मैं इसे टेस्ट करके आपको दिखाएंगे, तो प्लीज़ एक चैनल को लाइक और चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना देरी इसे हम चेक करते हैं। तो इसमें हम पहले आपको चार्जिंग करके इसमें दिखाते हैं। तो मैंने चार्जर ले लिया है मोबाइल का, अब 220 वोल्ट में यहाँ हम लगाते हैं। अब हम स्विच को ऑन करेंगे यहाँ से, अब हमारा इसमें चार्जिंग में लगाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हम चार्जिंग पिन को यहाँ डालकर यहाँ लगाते हैं। तो इसके अंदर रेड लाइट ग्लो हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमारी बैटरी चार्ज होने लगा है, इसी तरह से आपको ये बैटरी को चार्ज कर लेना है। तो मैं इसे अभी चार्ज नहीं करेंगे, तो इसे हम मोबाइल चार्ज करके दिखाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये सॉकेट में हम यूएसबी केबल लगा लेंगे। तो ये हमारा मोबाइल का यूएसबी केबल, इसे हम यहाँ लगाते हैं। तो इसमें हम मोबाइल चार्ज करने लगाते हैं। तो मेरे पास ये मोबाइल है, तो इसमें मैं लगाते हैं, तो इस मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो मैंने चार्ज में लगा लिया है, आप देख सकते हैं इसमें बैटरी चार्ज होने लगी है मोबाइल के अंदर। तो इसी तरह से आपको ये मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। ये बढ़िया प्रोजेक्ट से आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसका वायरिंग हाउ सीधा और सिंपल है, इसी तरह से आपको ये बना लेना है। आप देख सकते हैं इसमें मोबाइल चार्ज होने लगा है। तो इससे हम गाना बजा के आपको दिखाएंगे अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डीजे पिकर है। तो इसमें हमारा ये स्विच ऑन करेंगे, तो इसमें हमारा ब्लूटूथ पिकर ऑन हो जाएगे। तो इससे मैं ऑन करते हैं, इसी तरह से आप ऑन कर सकते हैं। हमारा ब्लूटूथ पिकर ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमारा नो कॉपीराइट इसमें हम बजा के दिखाएंगे। तो प्ले पहले हम ब्लूटूथ ऑन करेंगे, इसे मैं कनेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं कनेक्ट कर लेते हैं, तो आप देख इसमें हमारा ब्लूटूथ ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको ये कनेक्ट कर लेना है। अब हम इसमें मैंने NCS गाना लगा लिया है, तो अब मैं इसे बजा के दिखाएंगे। तो आप चुन सकते हैं इसी तरह से, thank you।
तो इसी तरह से ये बजता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर अने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, क्या सुधी, बाय बाय दोस्तों।